दोस्तों प्यार एक बेहद खूबसूरत एहसास है। प्यार के तरीके सबके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन प्यार के मायने सबके लिए एक समान होते हैं। प्यार और भरोसा ये किसी भी रिश्ते की बुनियाद होती है। हर रिश्ते में प्यार होना बेहद ही आवश्यक है, क्योंकि बिना प्यार और सम्मान के रिश्ते नहीं चल सकते हैं। दोस्तों हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए, नहीं तो आपका बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो आज के ग्रह गोचर के आधार पर बनाई गई है। दोस्तों ग्रह गोचर का प्रभाव आपके नौकरी पर, आपके स्वास्थ्य पर और आपके पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन, साथ ही साथ बेरोजगार लोगों के लिए। दोस्तों जब भी आपके मन में प्रसन्नता होती है, जब भी आपको कुछ चीजें आपकी मेहनत से मिलती हैं, तो दोस्तों यही लोग होते हैं जो आपके खिलाफ कुछ ना कुछ नया षड्यंत्र रचा लेते हैं और आपको अपने जाल में फंसाने की पूरी तरह से कोशिश करते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे व्यक्तियों के बारे में बताएंगे जो आपके साथ में आपके होकर भी आपके पीछे केवल और केवल आपकी बुराई करते हैं। और दोस्तों निस्वार्थ भाव से आपको सिर्फ ईश्वर की आराधना करनी है। दोस्तों हम जानते हैं कि आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया है। आपका अच्छे समय हो या बुरा समय हो, आप हमेशा उन लोगों के साथ में खड़े रहे हैं जिन लोगों ने आपका साथ छोड़ा है। दोस्तों आपको बता दें कि सब कुछ आपके जीवन में बिखर जाए, लेकिन फिर भी जो आपका आत्मविश्वास है, आत्मसम्मान है, उसे कभी भी आप खोते नहीं हैं, दूसरे के सामने गिड़गिड़ाते नहीं हैं। और दोस्तों आप हमेशा खुद को एक ऐसा सर्वश्रेष्ठ शक्तिमान बनाना चाहते हैं जो कि दोस्तों कोई और नहीं है। और आप हमेशा अपने खुद का कार्य शुरू करना चाहते हैं, खुद का मालिक बनना चाहते हैं। दोस्तों दूसरे के आगे भीख मांगना, गिड़गिड़ाना आपके जो है आपकी आदत नहीं है, उसमें दोस्तों आपको कोई भी दिलचस्पी नहीं है। अगर आप कोई काम करने की ठान लें तो दोस्तों आप उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं, क्योंकि आपकी राशि वाले जो लोग होते हैं वो थोड़ा ज़िद्दीपन होता है उनके अंदर, और ज़िद्द से आप हर कार्यों में सफलता की प्राप्ति भी कर लेते हैं और दोस्तों वे कार्य पूरा करके ही छोड़ते हैं। इस राशि के लोग अगर किसी से प्यार भी करते हैं, दोस्तों आप लोग इस तरह से उनके प्यार में, सामने वाले के प्यार में पागल हो जाते हैं कि आप लोग अपने पार्टनर की छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी गलती को भी नज़रअंदाज कर देते हैं। इसके साथ ही दोस्तों हम आपको बताएंगे आपको अपनी गतिविधियों पर विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखिएगा। इसके साथ ही दोस्तों आपकी सावधानियों के बारे में बता दें तो शेयर सत्ता जैसी गतिविधियों में रुचि ना लें। बहुत अधिक सावधानी बरतने के बावजूद भी कुछ गलतियाँ हो सकती हैं। बेहतर होगा दोस्तों कि आपको किसी से सलाह मशवरा अवश्य कर लेना है। घर के बड़े बुजुर्गों की किसी बात की भी अवहेलना ना करिए। कारोबारी गतिविधियों में दोस्तों पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है, जल्दी अच्छे नतीजे आपके सामने आएंगे। नौकरी पेशा लोगों के अधिकारियों से संबंध अच्छे रहने वाले हैं। ट्रांसफर पाने जैसी योजनाएँ बन रही हैं तो दोस्तों अधिकारियों के साथ में ज़रूर बातचीत करिए। दाम्पत्य जीवन में सुख शांति का माहौल रहने वाला है, परंतु कभी कभी आपका गुस्सा परिवार की व्यवस्था को खराब कर सकता है। परिस्थितियां आपके पक्ष में बनी हुई हैं और दोस्तों सिर्फ जल्दबाजी की बजाय आपको शांतिपूर्ण ढंग से काम निपटाने का प्रयास करना चाहिए। कुछ नज़दीकी लोगों के साथ में मिलने से मन में प्रसन्नता रहने वाली है, जो कि दोस्तों आपके लिए काफ़ी बेहतर रहने वाला है। इसके साथ ही दोस्तों ईश्वर का आशीर्वाद आपके ऊपर बना हुआ है, आपको ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर का आशीर्वाद आप पर इस तरह पड़ा हुआ है कि आप हमेशा धन धान्य हो जाएंगे। दोस्तों आपको बता दें कि आने वाले अगले 3 दिनों में मंगल ग्रह के दोस्तों प्रभाव से आपके जीवन काल में क्रोध जला भरने वाला है। यूं कहें तो दोस्तों क्रोध की मात्रा अतिरिक्त होने वाली है। क्रोध पर नियंत्रण करिए और खुद को उग्र नहीं बनाना है। भावनाओं पर आपको नियंत्रण रखना होगा। आपको बता दें कि थोड़ी गर्मी की वजह से एलर्जी बन चुकी है, इसलिए आपको थोड़ी समस्या का समाधान जल्द ही निकाल लेना है। और दोस्तों आपको बता दें कि साथी रुके हुए काम पूरे करने के लिए समय अनुकूल है। ग्रह स्थिति आपको अच्छी बन रही है। घर के बड़े बुजुर्ग की सलाह और आदर्श आपके लिए वरदान साबित होगा। वहीं दोस्तों भावनाओं में आकर आप अपना नुकसान भी करवा सकते हैं, इसलिए किसी के भी व
अपने दूसरे के काम में हस्तक्षेप ना करें और अपने काम को ही प्राथमिकता दें। कोई भी कार्य अथवा निवेश करने से पहले दोस्तों उसके बारे में आपको अच्छी तरह से छानबीन जरूर कर लेनी है तथा दोस्तों व्यावसायिक परिस्थितियां आपकी अच्छी रहेगी, कामों में आपको सफलता मिलने वाली है। कामों में भी दोस्तों अच्छे से सुचारू रूप से चल रहे हैं। अजनबी लोगों पर भरोसा ना करें, ऑफिस में भी के साथ साथ वर्ग में ना पड़े। साथ ही दोस्तों दाम्पत्य जीवन सुखद और सुहानापूर्ण बना रहेगा। प्रेम संबंधों में एक दूसरे की भावनाओं का आपको सम्मान करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि आपका भी समय ज़रूर बदलेगा और दोस्तों दिन की शुरुआत है वो काफ़ी अच्छी होने वाली है। इसके साथ ही दोस्तों किसी नई गतिविधि को शुरू करने के व संबंधी प्रयास सफल रहने वाले हैं। धन से संबंधित मामलों में दोस्तों किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करना है। नौकरी पेशा लोगों का दोस्तों अपने काम के प्रति फोकस रहना उनका अपने लक्ष्य के निकट ले जाएगा और दोस्तों अपने पारिवारिक व्यवस्था अच्छी है। रिश्तों में मधुरता आ रही है और दोस्तों प्रेम संबंधों में भी भावनात्मक नज़दीकियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके साथ ही दोस्तों जो बीत गया है उसे भूलने की कोशिश करिए। पुरानी घटनाओं को आपको बुरे विचारों को भूलें और दोस्तों इसको भूलने की कोशिश ज़रूर करें। मानसिक रूप से थोड़ा उतार चढ़ाव आपको महसूस हो सकता है लेकिन दोस्तों नकारात्मकता नहीं होगी। आपको अपने कामों पर ही अवश्य ध्यान देने की आवश्यकता है। लोगों की आलोचनाओं को बिल्कुल भी ध्यानपूर्वक ना लें, उनका असर दोस्तों मन पर ना रहने दें। चुनिंदा लोगों के साथ में मेल मिलाप बढ़ने वाला है आप लोगों का। दोस्तों आपको बता दें कि आपके आमदनी में वृद्धि होने की प्रबल संभावना बन रही है। आप पैसों से जुड़ा हुआ कोई बड़ा काम भी कर सकते हैं। काम काज की बात कर लें तो दोस्तों नौकरी करने वाले जातकों को दफ्तरों में विपरीत परिस्थिति का सामना करना पड़ सकता है। आपकी छोटी सी गलती की वजह से दोस्तों कोई बड़ा नुकसान भी हो सकता है और दोस्तों यदि आपको समय रहते हुए नहीं संभले तो आप बड़ी मुसीबत में भी फंस सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों संतान पक्ष की तरफ से कुछ बड़ा आपको लाभदायक संदेश मिलने वाला है जो आपके लिए लाभदायक रहेगा। दोस्तों प्रॉपर्टी संबंधी कोई भी डील करना हो तो दोस्तों अत्यधिक मुनाफे की उम्मीद रखना उचित नहीं है। नौकरी पेशा व्यक्तियों पर दोस्तों अपनी उच्च अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा। वैवाहिक संबंधों में भी दोस्तों काफ़ी मधुरता आने वाली है। दोस्तों आपको बता दें अपने कार्य का असर पारिवारिक व्यवस्था पे ना पड़ने दें। व्यर्थ के प्रेम संबंधों से दूरी बनाकर रखें। पैरों में दर्द या फिर सूजन जैसी समस्याएं रह सकती हैं। अत्यधिक काम के बीच में दोस्तों आराम भी लेना काफ़ी आवश्यक है और किसी अनुभवी व्यक्ति के मार्गदर्शन और आशीर्वाद से दोस्तों आपको अपने किसी समस्या का समाधान ज़रूर मिलेगा और आप अपने आत्मविश्वसता और अपनी भरपूर बना रहेंगे। इसके साथ ही दोस्तों अपने कार्य को उचित अंजाम दे सकते हैं। किसी भी पूरी योजना को क्रियान्वित करने का सही समय है। आर्थिक मामलों में दोस्तों सावधान रहें, अचानक कोई मुसीबत आपके सामने आ सकती है तथा व्यर्थ के कामों में भी दोस्तों समय व्यतीत हो सकता है। कभी कभी आपका अति आत्मविश्वास भी व अहम आपके बनते कार्यों में रुकावट डाल सकता है तो आप अपने अहम से थोड़ा बचकर रहिए। तो दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाली नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यही होगा कि आपको अपने कर्मों पर अधिक से अधिक ध्यान फोकस करना है और अपने कार्य के प्रति केंद्रित रहिए, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होगा इस समय दोस्तों शेयर तेजी मंजी जैसी व्यवसाय में रुचि रखने वाले लोगों के लिए दोस्तों ग्रह स्थिति सकारात्मक बनी हुई है। जमीन जायदाद संबंधी व्यवसाय में भी बड़ी डील होने की संभावनाएं बन रही हैं, इसीलिए इन लोगों पर आप थोड़ा ध्यान रखिए। और सरकारी लोग किसी भी तरह की प्रॉब्लम जो है वो अपने ऊपर हावी ना होने दें और अपने कार्य के प्रति सतर्क रहें। इसके साथ ही अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो दोस्तों इस समय विवाहांतर संबंधों में किसी प्रकार का खुलासा होने से उसका प्रभाव दाम्पत्य जीवन पर पड़ सकता है। अंत में दोस्तों आपसे बस यही कहेंगे कि ईश्वर पर अगर आपको विश्वास है, अगर आप ईश्वर पर अटूट विश्वास रखते हैं और मानते हैं कि भगवान सबका भला करता है तो आपको अपने जीवन में धन की प्राप्ति ज़रूर होगी। लेकिन ये जानकारी केवल आपके लिए थी। तो दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी।
वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।